बदवास नगर परिषद चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत, कांग्रेस का सुपड़ा साफ। नगर निकाय प्रथम चरण में मतदान बदवास नगर परिषद का, जिसमें आज परिणाम आने के बाद ये रहा कि 10 सीटों पर भाजपा पर और 5 सीटों पर निर्दलीय का कब्जा रहा। कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई। बता दें कि बदवास ग्राम पंचायत से लेकर आज यहां पर नगर परिषद में कांग्रेस का दबदबा और बोलबाला रहा। अभी तक ये सीट कांग्रेस के कब्जे में रही, लेकिन पहली बार भाजपा ने ऐतिहासिक जीत के बाद इस सीट को अपने कब्जे में लिया। बता दें कि 15 सीटों में से 13 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें से 2 सीटें निर्विरोध रहीं। वार्ड क्रमांक 3 से गोपाल परिहार का निर्विरोध भाजपा के प्रत्याशी बानु बैरागी ने अपना नामांकन वापस लिया। इस प्रकार वार्ड क्रमांक 3 निर्विरोध रही, तो वहीं वार्ड क्रमांक 5 में एक फार्म भाजपा और एक निर्दलीय फार्म डाला गया, जिससे आपसे असमंजस बैठने के कारण निर्दलीय व्यक्ति ने अपना नामांकन वापस लिया और वार्ड क्रमांक 5 निर्विरोध रहा। मैं ये कहूंगा, जनता ने जो हम लोगों को विश्वास जताया है, उनका जो विश्वास है, हम ब्याज सहित विकास में और जनता के विश्वास में खड़े उतरने का प्रयास करेंगे। और मैं जनता को आपके माध्यम से पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो मेरे साथी जीते हैं उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और जो मेरे अन्य दलों से जो प्रत्याशी थे वो आ रहे हैं, वो भी हमारे साथी हैं। चुनाव आते जाते हैं, हम लोग नगर के हैं, कोई मनमुटाव नहीं है। चुनाव होता है, 4 खड़े होते हैं, एक जीतता है। तो उनको भी मैं उनको सम्मेलन में उनके साथ में, और जो हमारे निर्दलीय जो पार्षद जीत के आए हैं, महाराज साहब के नेतृत्व में उनने अपना समर्थन जाहिर कर दिया है। महाराज साहब के उनको हम भाजपा की तरफ से दिलाएंगे। और यहाँ पर सब लोग बैठ मिलके, कोई मतलब ही नहीं है, अब तो सब बैठ के कर लेंगे टेबल पे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव हो जाए। क्वेश्चन मार्क तो ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छी योजना है, अच्छी काम है, और सिंधिया जी का जो आशीर्वाद है, और भोले भैया के प्रति जो जनता का प्यार है, आप देख रहे हैं आज कि 15 में से 15 ही भारतीय जनता पार्टी की जीती है। पूर्ण बहुमत से सिंधिया जी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नेतृत्व में आज देखिए आप 15 के 15 एक भी कांग्रेस का नहीं जीता है। इसमें संघर्ष कहाँ रहा? संघर्ष तो नहीं, कांग्रेस तो खाता ही नहीं अंतर कला है कि नहीं, कोई अंतर कला नहीं थी। चुनाव कांग्रेस के साथ था। 4 निर्दलीय भी तो है, ठीक है, निर्दलीय है, लेकिन कांग्रेस से तो कोई नहीं है ना। अगर कांग्रेस के कोई खाता नहीं खुला है और भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी जीती है, और निर्दलीय भी जो है समर्थन यही दे रहा है, सब लोग निर्दलीय समर्थन। तो निश्चित तौर से आप ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं भोले भैया लगातार 25 सालों से इस नगर पालिका का कब्जा किए हुए हैं और करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जनता की सेवा 5 साल रात दिन एक करके करती है, और यही इसका परिणाम है। कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद इस बार ये होगा वो होगा, लेकिन सारी चीजों को निरस्त करते हुए और सिंधिया जी के एक कट्टर सिपाही होने के नाते उन्होंने आज ये दिखा दिया कि नहीं, कल जो था वो आज है, क्योंकि जो जनता की सेवा करेगा वो हमेशा मेवा पाएगा। नहीं, अध्यक्ष तो ये पार्षद चुनेंगे, अध्यक्ष कोई विषय नहीं है। पार्टी के सब सारे सदस्य आ गए हैं, ये तो आम बे में बैठ के कर लेंगे। सदस्य लोग के किसको बनाना है, सभी लोग मिलकर के चलाएंगे नगर पालिका। चलिए, आज जीत का दिन है, आपको बधाई। बहुत